ओके हुसैन जी, पहले डायपोल की छोटी सी डेफिनेशन। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या मतलब हुआ? बेसिकली जो डायपोल है, अगर आप जिम जाते हो तो जैसे डंबल नहीं होता, डंबल होता, स्पेलिंग पता नहीं क्या लिखा मैंने, डंबल या जो भी होता है वो देख लीजिए। तो एक चार्ज होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, इक्वल होगा तो ये प्लस क्यू होगा ये माइनस क्यू होगा, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। फॉर ईज ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो डिस्टेंस है उसको इन दोनों के बीच में 2L लिख दिया जाता है। सर कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं सर। रेवान जी, लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि डायपोल्स आपने पहले भी देखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि आप पहली बार देख रहे हैं। आपने वाटर मॉलिक्यूल शायद 9th या 10th क्लास से शुरू हो जाता है कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये बीच में ऑक्सीजन है, इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज। हुसैन जी पता है नहीं पता? पता है। हुसैन जी, ये छोटा सा नेगेटिव चार्ज और छोटा सा पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाता है? सर ताकि एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो। आप फिजिक्स के फंडे नहीं क्लियर, केमिस्ट्री के भी नहीं क्लियर। ये कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है? कोवेलेंट है। तो कोवेलेंट अगर बॉन्ड है तो इसमें कोई चार्ज तो होना नहीं चाहिए, बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर मैं यहाँ डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूँ? मुझे लॉजिक नहीं समझा सर, क्योंकि ऑक्सीजन दो मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है हाइड्रोजन के इससे और हाइड्रोजन दे रहा है। हे भगवान, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? टू। तो ऑक्सीजन का ये वाला शेल पार्टिसिपेट करेगा, हाइड्रोजन का ये वाला करेगा। तो ऑक्सीजन के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हाइड्रोजन का ये और हाइड्रोजन का ये आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट हाँ बॉन्ड, सर, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट है ना? तो कंप्लीट ट्रांसफर जब कोवेलेंट। हाँ जब कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, या हाइड्रोजन को दो चाहिए थे या हाइड्रोजन के दो चाहिए थे, कोवेलेंट बॉन्ड है ये। और कोवेलेंट बॉन्ड में देर इज नो ट्रांसफरेंस ऑफ चार्ज, फिर भी इस पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव क्यों हो रहा है? मिस्टर रियान, आप बताना पसंद करेंगे? सर इलेक्ट्रॉन्स में सर थोड़े बैलेंस नहीं है इलेक्ट्रॉन्स। तो नहीं है, वही तो पूछ रहा हूँ। हुसैन जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सुना है कभी? सर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। शाबाश, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हिंदी में बोलते हैं चोरी करने की क्षमता, चोरी करने की क्षमता। नहीं समझ में आया, ये भी स्पेलिंग शायद गलत है। ये देखिए, ये शेड पेयर है ना हुसैन, ये शेड पेयर है यहां पर। अब ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, जब हाइड्रोजन सो जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अपनी तरफ खींच लेता है। नहीं समझ में आ रहा भैया? नहीं समझ में आ रहा तो बोलो। हुसैन जी, नहीं समझ में आ रहा? रेवान जी, नहीं समझ में आ रहा? नहीं सर, उसने बराबर नहीं समझा। बेटा, ऑक्सीजन हैज अ टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कौन सा? ये वाला। इट हैज अ टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ऑक्सीजन, जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ। तो हुसैन जी, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन हैज अ टेंडेंसी टू पुल इट टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये देखिए, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिया। नहीं समझ में आया? समझा सर।
रेवान जी नहीं समझ में आया, समझा सर? इसकी वजह से होता क्या है सर, इसकी वजह से इफेक्टिवली इस पे एक इसको डेल्टा नेगेटिव, वेरी वेरी स्मॉल नेगेटिव चार्ज, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं सर। नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल, समझ आ रहा है? अरे भैया HCl का बॉन्ड और भी सिंपल है, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन का 1। अब इसमें भी ऐसा ही है कि जो क्लोरीन है वो चोरी कर लेती है, चोरी करती है मतलब उसकी इस पे नजर रहती है, वो क्या करती है ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खींच लेती है। नहीं समझ में आ रहा, समझा? अब जो HCl है कोवेलेंट बॉन्ड है, बट होता ये है क्लोरीन बोलती तो है कि हाँ हमने शेयर इलेक्ट्रॉन किया हुआ है, बट जब हाइड्रोजन सो जाता है तो ये इस साइड जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। रेवान जी कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं सर, समझ गए। जिसकी वजह से ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। भैया नहीं समझ में आ रहा? चिराग जी नहीं समझ में आ रहा? सर समझ आ। यही यही जो आपने केमिस्ट्री में किए हुए हैं बॉन्ड्स किए हुए हैं, तो यही जो इनको जो पोलर मॉलिक्यूल जो बोलते हो आप, यही कंसेप्ट जो है वो फिजिक्स में स्टडी किया जा रहा है, जिसमें डायपोल इज डिफाइंड एज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो एक चार्ज ये, एक ये, एंड देयर इज अ फाइनाइट डिस्टेंस, वो जो फाइनाइट डिस्टेंस है यार आप कुछ भी लिख लीजिए, बट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन आपको समझ आ जाएगा वो ईज ऑफ कैलकुलेशन क्या है। वो ईज ऑफ कैलकुलेशन की वजह से उसको 2L लिख देते हैं। सर यहां तो कोई डाउट है क्या? नो सर। हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं सर। मिस्टर रेवान कोई डाउट है? नो सर। देखिए सर अगर नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा और, मैं इसलिए डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि यूजुअली ये सब चीजें ना उसमें केमिस्ट्री में डिटेल में कराई जाती हैं। जैसे सबसे सिंपल ले लीजिए, ये ले लीजिए H2 ले लीजिए, Cl2 ले लीजिए। अब जो H है और H है, अब इनमें हुसैन आपको लॉजिकली लगता है कि ये वाला हाइड्रोजन इस वाले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा, आपको लगता है लॉजिकली, या ये ले पाएगा इस साइड? हुसैन बात नहीं समझ आ रही? ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अरे हाइड्रोजन 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 गैस में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये पता है नहीं पता? हाँ सर ये पता। अब ये हाइड्रोजन का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि ये वाला हाइड्रोजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस साइड ले जाएगा, या आपको लगता है कि ये वाला हाइड्रोजन राइट वाला शेयर्ड पेयर इस साइड ले जाएगा, आपको लगता है? इज इट पॉसिबल? नहीं सर। अरे दोनों सेम ही तो है यार, तो वो उसको देख लेगा कि यार तू क्यों लेके जा रहा है ऐसे। मेरी बात नहीं समझ आ रही? केमिस्ट्री में इसको बोल दिया जाता है बिकॉज ये और ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। भैया नहीं समझ में आ रहा? हरिओम जी नहीं समझ में आ रहा? समझ आ रहा है सर। देखिए उसी तरह क्लोरीन में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये माय फ्रेंड्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपको लगता है लेफ्ट वाला क्लोरीन अपनी तरफ कर पाएगा, या राइट वाला क्लोरीन अपनी तरफ ये शेयर्ड पेयर को कर पाएगा? वो करने नहीं देंगे यार, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होने वाला। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सर नहीं समझ में आया? समझा सर, मेरा लेक्चर है सर। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। रेवान जी आपको नहीं समझ आ रहा? समझा सर। जैसे ये NaCl है, अब NaCl तो आयनिक बॉन्ड है यार, तो इसमें तो आपको पता ही है कि आपके पास एक साइड पॉजिटिव होगी और एक साइड नेगेटिव होगी। नहीं समझ में आ रहा? जी सर समझो। अब आज कोई डाउट है? चिराग जी कोई डाउट है? नो सर। ओके तो डायपोल के बारे में एक दो चीजें और देख लीजिए, छोटी छोटी चीजें, कोई ज्यादा कोई मुश्किल चीजें नहीं है। डायपोल में ये जो लाइन
which is joining these two is called axial line. और ये बीच में जो एक लाइन आती है, ये वाली जो लाइन है, this is called equatorial line. सर नहीं समझ में आया, रेवान जी नहीं समझा? समझा सर. ज़्यादा आसान है, ये प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू होगा, आप जैसे मर्जी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको माइनस क्यू लिख लीजिए, इसको प्लस क्यू लिख लीजिए, कोई हाई तोपा वाली बात नहीं. मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि द लाइन विच इज ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सियल, एंड ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 भी है, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्विटोरियल. रेवान जी कंफ्यूज हो रहे? नहीं सर. पक्का? जी सर. ये दूसरा कंसेप्ट है. तीसरा कंसेप्ट देख लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस इनटू चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. मतलब क्या हुआ, हमारे केस में जो डिस्टेंस है रेवान वो कितना है? चिराग डिस्टेंस कितना? सर 2L. चार्ज कितना? सर क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू. एक ही चार्ज चाहिए, इक्वल है, कोई एक चार्ज बता दीजिए. तो इसका जो डायपोल मोमेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, और उसका फॉर्मूला होता है 2L इनटू क्यू. नहीं समझ में आया? रियाज जी कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत. रियाज जी कंफ्यूज हो रहे हैं? चिराग जी क्लियर है? यस सर. चिराग जी अगर क्लियर है तो बताइए, ये जो डायपोल मोमेंट है इसके यूनिट्स क्या होंगे? सर इसके कूलम मीटर. कूलम इनटू मीटर. और कूलम इनटू मीटर का एक स्पेशल नाम है जिसको डेबी बोला जाता है. उसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए यार. डेबी साहब जो थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये कूलम इनटू मीटर डेबी के नाम से जाना जाता है. चिराग जी कोई डाउट है? नो सर. अबाज जी कोई डाउट है? नो सर. ओके, अब एक छोटा सा यार हैक समझ लीजिए, मैं तो ये यूज करता हूँ, आपको कुछ और अच्छा आता है तो आप देख लीजिए. डायपोल की डायरेक्शन होती है, अब मैंने जो हैक यूज किया हुआ है वो ऐसे ये यूज किया हुआ है. आपको मेरी बात समझ आई? आई एम सॉरी, गड़बड़ होगी. मैंने जो हैक यूज किया हुआ है वो ये यूज किया हुआ है. मेरी बात समझी? मतलब ये नेगेटिव और यहां ये देखिए, ये एक पॉजिटिव अंतर है, यहां पर ये पॉजिटिव. तो डायपोल की जो डायरेक्शन मानी जाती है, पी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. डायपोल मूवमेंट, बेसिकली डायपोल मूवमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. और याद करने का जो हैक है वो मैंने आपको बता दिया. मैंने अपने दिमाग में ऐसे सेट किया हुआ है कि ये नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, और मैं ऐसे करके याद रखता हूँ. चिराग जी कोई डाउट? नो सर. बाजी कोई डाउट? नो सर. तो ये डायपोल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन. क्या क्या डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सियल लाइन क्या होती है, इक्विटोरियल लाइन क्या होती है, डायपोल मूवमेंट क्या होता है, डायपोल मूवमेंट की का फॉर्मूला क्या है, क्यू इंटू टू एल, डायरेक्शन क्या है नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसका हैक भी आपको बता दिया. याद रखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है. हैक मतलब कि एज ए एरो, इस एरो में ये नेगेटिव है और यहां पर ना एक पॉजिटिव छुपा हुआ है. रेवान जी को डाउट है? नो सर, नो डाउट. अब समझने के लिए एक छोटी सी बात देख लीजिए, ये मेरे पास एक चार्ज है, ये मेरे पास एक चार्ज है, ये लेट अस अज्यूम माइनस इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस इलेक्ट्रॉन है. नहीं समझ में आ रहा, इलेक्ट्रॉन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1.6 इंटू 10 रे शॉर्ट माइनस 19 कूलम होगा. चिराग जी नहीं समझ में आया? समझ
और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम. नहीं समझ में आ रहा? बाजी नहीं समझ रहा? तो इसमें अगर मुझे P निकालना है तो P वुड बी इक्वल टू, देखिए P इंटू 2L है, बट याद रखिए कंफ्यूज मत होइए, यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजियत शुरू हो जाती है. Q इंटू डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम. तो मतलब चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻¹. डिस्टेंस बिटवीन द टू क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻¹. 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻¹ मीटर्स. तो यहां पर आ गया 10⁻¹ और ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻²⁹ कूलम मीटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड 1.6 इंटू 10⁻²⁹ इन डेबे. राम जी बिल्कुल नहीं समझ रहा. समझा सर? राजी कोई डाउट है? नो सर. हुसैन साहब कोई डाउट? अच्छा हुसैन साहब तो है. अबाजी कोई डाउट? नहीं सर. तो ये सर बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस हैं डायपोल को लेके. अच्छा नेक्स्ट जो हमें करना है. अच्छा यार एक चीज याद रखिए, आपकी बुक में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिखी हुई है. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम ही चीज है. अरे जी कंफ्यूज हो रहे हैं. ये तीनों वर्ड जो हैं, तीनों वर्ड आपकी बुक में जो लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ये सेम ही है. अब आजी को डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट हमें क्या करना है सर? नेक्स्ट हमें डायपोल को लेना है. डायपोल, ये मेरा डायपोल है सर, ये मेरा नेगेटिव चार्ज, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज. अगर आपको बात समझ आ रही है अभी तक की, ये मेरी एक्सियल लाइन है. ये एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट पी है जिसपे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस आर. रियान जी नहीं समझ में आ रहा? समझा सर. सर ये डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2L है. देखिए लिखा है ना L और L, तो इसको 2L. और इस डायपोल की वजह से, देखिए इस डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे एट अ डिस्टेंस R कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये उसकी डेरिवेशन है. सर कोई डाउट है? दूसरी जो हमें डेरिवेशन कर रही है वो क्या करनी है? वही डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस बिटवीन देम 2L. ये जो लाइन है, ये लाइन चिराग जी, इस लाइन का नाम क्या है? एक्सियल लाइन. और ये तो इक्वेटोरियल है ना भाई साहब? सर बीच, सर ये 2L या फिर वो बीच का लाइन? बीच का लाइन, ये देखिए. एक एक्सियल है और दूसरी इक्वेटोरियल है. ये वाली जो लाइन है ये एक्सियल है और ये वाली जो लाइन है ये इक्वेटोरियल है. सर कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर समझ. तो दूसरी जो डेरिवेशन करनी है वो हमें क्या करनी है कि सर ये डायपोल है मेरे पास, ये डायपोल है, इस डायपोल की वजह से एट अ डिस्टेंस आर इक्वेटोरियल लाइन पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए. रेहान जी नहीं समझ में आ रहा? समझा सर. ये इसकी डेरिवेशन है. यहां तक कोई लेक्चर में प्रॉब्लम है क्या?
नो सर ओके एक काम करते हैं सर डेरिवेशन करते हैं नेक्स्ट टाइम वो कर लेते हैं पार्ट टू में आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं चलेगा ओके